टॉप 10 न्यू चेंजेस इन न्यू अपडेट ऑफ इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी। तो हाँ गाइस, फाइनली 21 MB का बहुत ही खतरनाक अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के अंदर गाइस बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा न्यू अपडेट के सारे चीट कोड भी निकल करके आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू अपडेट के सारे चेंजेस प्लस सारे न्यू चीट कोड के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे की जैसी भी चीट कोड, न्यू गाड़ी का चीट कोड, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेट्स गो। ओके, तो गाइस जो पहला चेंज है वो हमारे नए वाले घर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा और ये चेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपको क्या करना है, नॉर्मली निकालना है अपना मोबाइल और RGS टूल के अंदर जाकर लिखना है आपको हाउस कलर RGB, ठीक है। एंड एक बार ये आप लिखोगे ना, उसके बाद में देखना क्या कमाल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे न्यू अपडेट के अंदर हाउस का कलर का RGB पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर दो वीडियो आप देख सकते हैं, पहले के अपडेट के अंदर यहाँ पर कुछ इस टाइप से RGB होता था घर, लेकिन अभी यहाँ पर न्यू अपडेट आने के बाद RGB का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको पहला चेंज कैसा लगा। चलो बढ़ते हैं दूसरे चेंज की तरफ। ओके, जो दूसरा चेंज है वो हमारे घर के अंदर ही गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब घर के अंदर क्या चेंजेस हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, पहले घर के नीचे वाले फ्लोर पे आपकी कैरेक्टर की शेडो नहीं आती थी, लेकिन फाइनली अभी यहाँ पर देखो शेडो आना लग गई है। उसके बाद में ये देखो फैन की शेडो भी आ रही है, लेकिन यार घर के अंदर तो धूप वगैरह आई नहीं रही, लेकिन शेडो कहाँ से आ रही है यार। इसके अलावा जो घर का ऊपर का जिम का फ्लोर है वहां पर भी कैरेक्टर की शेडो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आप सभी को पता हो पहले हम घर को RGB कलर करते थे तभी शेडो आती थी, अभी बिना RGB की आ रही है। तो ये दूसरा चेंज था गाइस। ऐसे बहुत सारे न्यू चेंजेस अभी बचे हुए हैं, साथ में न्यू चीट कोड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस जो ऊपर की जिम थी वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो चलो बढ़ते अपने तीसरे चेंज की तरफ। ओके, जो तीसरा चेंज है गाइस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऐड हुई है ब्रांड न्यू कार जो कि पहले अपडेट के अंदर नहीं थी। तो इसका चीट कोड है 3880, ठीक है। जैसे डायल करोगे आपके सामने हमर वाली एक गाड़ी आ जाएगी, हैमर सॉरी। और ये देखो भाई साहब, ब्रांड न्यू कार ऐड हो चुकी है फाइनली न्यू अपडेट में और ये कार कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलती है। और इसके पीछे देखो यहाँ पर एक ट्रॉली टाइप का ही बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज को लोड करके कहीं भी लेके जा सकते हो गाइस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ लोड करके दिखाता हूँ, जैसे कि 200 से इसके अंदर घोड़े को स्पॉन करते हैं। इसको लोड कर दिया मैंने, अभी लेकर चलते हैं इसको दूसरी लोकेशन पे। भाई ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज रख के आप कहीं भी लेके जा सकते हो। लेकिन एक मिनट गाइज, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है, क्योंकि मैंने गाड़ी में पीछे बिठा लिया है घोड़े को। लेकिन गाइज यहाँ पर गाड़ी का लुक एक बार देखो। इसके अलावा यहाँ पर इस गाड़ी को RGB कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसी गाड़ी के पास जाओगे एंड यहाँ पर कलर करोगे तो देखो सारे कलर इसके पास अवेलेबल है, मतलब कि कोई सा भी कलर आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड उसी के साथ में यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर ये हैमर जो गाड़ी है ना भाई, कितनी मस्त दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर इस पर RGB पैटर्न भी आप यूज कर सकते हो, ये देखो गाइज मस्त लग रही है ना। एंड गाइज अगर हम इसको चलाते हैं तो पीछे से इसका पैटर्न लुक कुछ इस टाइप से आता है। एंड गाइज इसको FP मोड के अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखो एक बूफर टाइप का अंदर से बना हुआ है, स्पीडोमीटर भी है, सब कुछ है यार गाड़ी के अंदर। तो गाइज ये तो अपना तीसरा चेंज, तो चलो बढ़ते अपने फोर्थ चेंज की तरफ। जो गाइज चौथा चेंज है, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि न्यू अपडेट के अंदर पुलिस स्टेशन आने वाला है। तो जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो देखोगे तो आप सभी लोगों को पुलिस स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एयरपोर्ट के पास ही है। तो चलो गाइज मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि पुलिस स्टेशन अंदर से बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। तो जैसे गाइज आप पुलिस स्टेशन के अंदर आओगे तो अंदर से देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गाइज आपको कोई भी पुलिस वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड गाइज मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ एक बार इसका लुक, अंदर से कैसा पुलिस स्टेशन को बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसे गाइज आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको सामने काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर पुलिस वाले बैठे होते तो यार काफी ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं है। एंड यहाँ पर देखो काफी सारी चेयर पड़ी है, एंड साइड में गाइज यहाँ पर देखो छोटी सी जेल भी बनी हुई है भाई। इसके ऊपर एक छोटा सा आपको CCTV कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि CCTV कैमरा भी वर्क नहीं करता है और जेल के अंदर कोई भी नहीं है। तो अपन हमको नेक्स्ट वीडियो के अंदर NPC को ला के इसके अंदर जेल में बंद करेंगे, तो यार बहुत मजा आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सामने यहाँ पर देखो गाइज ये ऊपर के फ्लोर का रास्ता है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, शायद नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये ओपन हो जाए और हम जेल के ऊपर भी जा पाए, मतलब के पुलिस स्टेशन में ऊपर। एंड सामने यहाँ पर पार्किंग वगैरह में कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर मतलब के जो पुलिस की गाड़ियां है ना उनको स्पॉन कर सकते। तो गाइस ये तो अपना चौथा चेंज, तो चलो बढ़ते अपने पांचवें चेंज की तरफ। ओके, जो पांचवा चेंज है गाइस, न्यू अपडेट के अंदर काफी सारे न्यू रैंप ऐड हुए हैं। आपको क्या करना है, रैंप के पास में आ जाना है। सबसे पहला आपको ये वाला नया रैंप देखने के लिए मिलेगा, ये एक टाइप का रैंप है, पता नहीं क्या है। और गाइस ये पहला रैंप है, इस टाइप के 3-4 रैंप और है, मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप गाड़ी घुमा के स्टंट वगैरह कर सकते हो, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके यार वैसे मुझे स्टंट करना नहीं आता आराम से, ये तो पहले इसकी स्पीड स्लो हो गई, अभी कहाँ ये गाड़ी घूम पाएगी। और ये
गिर गई नीचे। तो गाइज ये था आपका पहला रैंप, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे रैंप की तरफ। ओके गाइज अपना दूसरा रैंप ये रहा भाई साहब, इस पर तो कंटेनर ही कंटेनर बने हुए हैं और ये इतना ऊंचा है ना गाइज, बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो इस पर आपको चढ़ने के लिए ना बहुत टाइम लग जाएगा। इस पर आप अपनी गाड़ी घुमा के या बाइक वगैरह ले जाके ऊपर जा सकते हो, तो यार उस पर काफी टाइम लगेगा, इसलिए अपन एक जेट पैक को लेंगे और जेट पैक से मैं आपको ऊपर जा के दिखाऊंगा कैसा दिखता है ऊपर से। लेकिन फिलहाल गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ उससे पहले आपको ये अपडेट कैसा लगा। इसके बाद में मैं अभी आपको बहुत सारे नए नए चीट कोड भी बताने वाला हूँ, जैसे कि जेसीबी का और भी नई गाड़ियां ऐड हुई है सबके चीट कोड बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो यहाँ से गाइज देखो कितना लंबा रैंप बनाया हुआ है यार, ये इतने सारे कंटेनर ही कंटेनर भाई साहब। तो चलो यहाँ पर अपन जेट पैक से उतर जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से गाड़ी से स्टंट भी करके देखेंगे। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर देखो गाइज आगे से एक रैंप टाइप का बना हुआ है जहाँ से आप अपनी गाड़ी को जंप करा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर अभी एक बाइक को स्पॉन करते हैं, कोई भी एक बाइक को। ओके मैंने डुगाटी को स्पॉन कर लिया, अभी सामने से देखेंगे जंप करके भाई ये रैंप अपना कैसा है, ठीक है। और भाई सामने ये देखो गाइज, ओके 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 देखते हैं अपना सही से जंप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। वैसे मैंने आज तक इन रैंप पे जंप करा नहीं है। और भाई साहब कितना ज़्यादा ऊंचा रैंप है गाइज, यहाँ से तो पूरा अपना मैप दिख रहा है गेम का, व्हाट गाइज। और साइड में भी देखो एक नया रैंप है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ये वाली जो जगह थी ना खाली पड़ी रहती थी, बट इधर आप कंटेनर ही कंटेनर ऐड कर दिए न्यू अपडेट के अंदर, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी वगैरह से ये रैंप को पूरे को पार कर सकते हो, मतलब कि जंप करा के। ये फ्रंट रैंप है पूरा बना हुआ, तो चलो अभी यहाँ से अपन गाड़ी को लेकर और जंप करा के देखते हैं। चलो गाइज मैंने दोबारा से अपनी डुगाटी को ले लिया और ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको इंडियन बाइक के अंदर कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके बताओ। तो चलो देखते हैं अपने नए वाले रैंप को पार कर पाते हैं नहीं कर पाते, और बच गया भाई। इसके अलावा आगे वाला कहाँ गया, ओके आराम से। और ये रहा अपना इस रैम का लास्ट पॉइंट, ठीक है, और इसे जम कराया। और भाई साहब ये देखो गाइज कितना ज़्यादा ऊंचा है, बट नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं 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 नहीं। और ये देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं रैम पार नहीं कर पाता हूँ। तो ये पांचवा रैम वाला चेंज आपको पसंद आया होगा, तो चलो बढ़ते हैं छठे चेंज की तरफ। ओके जो छठा चेंज है गाइज वो है अपनी ब्रांड न्यू जेसीबी। हाँ गाइज फाइनली न्यू अपडेट के अंदर अपनी जेसीबी आ चुकी है, उसका चीट कोड आप देख लो यहाँ पर 6677, मतलब के 6677 डालोगे तो आपके सामने आ जाएगी ब्रांड न्यू जेसीबी। और भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जेसीबी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, एंड फाइनली न्यू अपडेट के अंदर अपनी जेसीबी ऐड हो चुकी है। अब इसको कैसे चलाना है क्या करना है चलो मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन गाइस एक मिनट, क्या हम अपनी जेसीबी को RGB कलर कर सकते हैं? लेकिन नहीं यार, इसको तो RGB कलर करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जो जेसीबी होती है ना वो सिर्फ येलो कलर की ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इसको ना कलर वगैरह करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। और ये देखो गाइस इसका बैठने का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो इसके कितने सारे कंट्रोल है, बाकी आप गेम के अंदर जेसीबी को यूज करोगे तो सारे कंट्रोल आप जब एक एक करके ट्राई करोगे तो आपको यूज करना आ जाएगा। जैसे कि ये गाड़ी है, क्या हम इस गाड़ी को उठा सकते हैं जेसीबी के आगे वाले फ्रेम में दबा के? एक मिनट गाइज यहाँ पर देखो मैं ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ ना इसका, ये देखो भाई नीचे के ये मूव कर रहे हैं भाई, क्या मस्त है। मतलब कि मैं जेसीबी को उठा सकता हूँ, इसको पूरा मूव कर सकता हूँ गाइज। इसके इतने सारे कंट्रोल हैं, मतलब कि 6 इधर है, 4 इधर है और 4 इधर है, भाई साहब। गाइज आपको जेसीबी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। आप इसके आगे वाले ट्रोली के अंदर कुछ भी उठा सकते हो, लाइक आप यहाँ पर गाड़ी उठा के लेके जा सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, गड्ढा वगैरह भी खोद सकते हो। ऐसा अगर ऑप्शन होता ना इंडियन बाइक के अंदर तो मज़ा ही आ जाता। तो बाकी गाइज आपको जेसीबी कैसी लगी कमेंट करके बताना। चलो बढ़ते हैं सातवें चेंज की तरफ। ओके जो सातवां चेंज है ना गाइज वो आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, बिकॉज ये न्यू अपडेट का सबसे अच्छा चेंज लगा मुझे। क्योंकि यहाँ पर आप शोरूम के पास में आओगे ना तो भाई पूरा शोरूम चेंज हो चुका है न्यू अपडेट आने के बाद में। तो पहले तो यहाँ पर देखो शोरूम आगे से कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और पहले के अपडेट में कैसा था और अब देखो कैसा चेंज हो चुका है। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या चेंजेस हुई है शोरूम के अंदर। बाकी गाइस न्यू अपडेट आ चुका है, तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर देखो गाइस बीच में पहले दीवार हुआ करती थी, लेकिन अभी पूरा शोरूम एक हो चुका है। और यहाँ देखो गाइस कितना पूरा ही चेंज हो गया यार, पहले तो यहाँ पर बीच में एक दीवार थी, दो साइड से हम शोरूम के अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा एक शोरूम बना दिया है इसे, और बीच का जो पार्ट था ना दीवार वाला वो रिमूव कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर देखो गाड़ियों के नीचे एक सीट लगी रहती थी, वो भी रिमूव हो चुकी है।
और यहाँ से हम ऊपर से चढ़ के नीचे उतर सकते हैं, मतलब कि एक साइड से जाओगे तो दूसरे यहाँ पर शोरूम के साइड से आप उतर सकते हो। तो गाइस ये था अपना सातवां चेंजेस, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ सबसे अच्छा चेंज आपको क्या लगा न्यू अपडेट का। तो चलो बढ़ते हैं आठवें चेंज की तरफ। ओके, जो आठवां चेंज है गाइस, आप सभी को पता होगा जो अपनी स्कॉर्पियो S11 थी हम उसको RGB कलर नहीं कर सकते थे पहले, बट न्यू अपडेट आने के बाद में ये वाली जो स्कॉर्पियो S11 है ना अपनी, हम इसको RGB कलर कर सकते हैं और इसका टोटल पूरा नया पैटर्न आता है। तो मैं आपको इसको RGB कलर करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाली स्कॉर्पियो देख लो, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस भी हुई है। पता है चेंजेस क्या है? आगे जो ना इसकी फ्रेम पे वहां पर RGS लिख दिया गया है, जिसका गेम का डेवलपर है ना उसने अपना नाम लिखा है, मतलब के रोहित गेमिंग स्टूडियो। उसके बाद में यहाँ पर देखो सारे पैटर्न आ रहे हैं, और गाइस 8GB करने से ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है, मतलब कि एक इसकी खिड़की, सामने का बोनट, इसका सब कुछ अलग अलग 8GB हो रहा है। तो ये आपको न्यू अपडेट के अंदर स्कॉर्पियो का चेंजेस था जो कि 8GB हो रही है। तो ये चेंज गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, जो नौवां चेंज है ना गाइस, वो मुझे नहीं पता वो पहले अपडेट में था या नहीं या इसी अपडेट में ऐड हुआ है। तो गाइस आपको RGS टूल में लिखना है जेट, ठीक है, GET जेट, और जेट लिखोगे आसमान में यहाँ पर जेट उड़ने लगेंगे। यार पहले तो मैंने शायद, मुझे पता नहीं है पहले अपडेट में थे या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस आपको आसमान में उड़ते हुए जेट दिख रहे होंगे, भाई काफ़ी मस्त लगते हैं यार। ये देखो सामने से जेट आ रहा है, अगर मैं इस पर फायर करूँ तो क्या ये फूट जाएगा? एक मिनट, अरे भाई साहब व्हाट गाइस, ये तो क्रैश हो गया। और ये देखो कितने सारे जेट आ चुके हैं, और गाइस अगर सारे जेट को आप फायर करके फोड़ देते हो ना, तो आप दोबारा से RGS टूल में जाकर लिखो जेट, तो और भी ज़्यादा जेट पैक आ जाएंगे। तो ये था गाइज अपना नौवां चेंज, बाकी मुझे नहीं पता है पहले अपडेट में थे या नहीं थे, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके गाइज, ये थी आज की वीडियो, और एक चेंज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कितने ज़्यादा समझदार हो। दसवां चेंज आप मुझे बताओ कमेंट करके कौन सा है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, होप आपको पसंद आई हो। तो इस वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी आपको और भी नए चेंजेस के बारे में पता हो तो नीचे कमेंट कर देना, और न्यू अपडेट आ चुका है प्ले स्टोर पर जल्दी से जाकर अपडेट कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, लव यू ऑल।